तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और शॉपिंग का हॉल वीडियो, जिसमें मैं आप सबके साथ में कुर्तीज एंड कुर्ता सेट काफ़ी सारे शेयर करने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन में इन सभी के इंडिविजुअल लिंक्स आपको मिल जाएंगे, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सारे आउटफिट मैंने मीशो से लिए हैं, तो मैं आज आपके साथ में इन सभी का रिव्यू शेयर करूंगी कि कौन सा आउटफिट कैसा है, ताकि आपके लिए इजी रहे शॉप करना कि आपको कौन सा आउटफिट लेना चाहिए, कौन सा आउटफिट आपको नहीं लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, इंस्टा पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा है तो ज़रूर फॉलो करिएगा, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी आपको डिफरेंट साउंड कर रही होगी, बिकॉज मुझे जो है जुकाम हुआ है, तो इसी वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो रहेगी एक कुर्ती, जो कि ग्रीन कलर में है। एंड इसमें जो है ना सिल्वर टोन में आपको स्ट्रैप्स का डिटेलिंग पूरी कुर्ती में मिलता है, साथ ही साथ आपको इसमें एम्ब्रॉयडरी का वर्क भी मिलेगा। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क करा हुआ मिलेगा। लाइट वेटेड है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पहनने पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। मीडियम लेंथ की कुर्ती रहती है, आप इसको वाइट कलर के ट्राउजर वगैरह के साथ में, प्लाजो के साथ में आराम से वेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है ना एल्बो स्लीव्स मिलेगा। तो अगर आप कोई अफोर्डेबल प्राइस में कुर्ती लेना चाहते हो तो आप इस कुर्ती को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। साइज़ मैंने जो इसमें लिया है वो मैंने एक्सेल साइज़ लिया है। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये है कुर्ता सेट। अगेन मैंने इसमें जो साइज़ लिया है वो एक्सेल साइज़ लिया है। तो यहाँ पे ये रेयॉन एंड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में कुर्ती आएगी, जिसमें आप देख सकते हो नेक पे आपको काफ़ी सुंदर सा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है। पूरे कुर्ते पे आपको छोटे छोटे बूटे बनाए हुए मिल जाएंगे। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे हल्का गोल्डन काइंड ऑफ गोल्डन थ्रेड से जो है ना काथावर्क जैसा इसमें काम मिलता है स्लीव्स के बॉर्डर पे। तो ये स्ट्रेट कट में रेयॉन एंड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक की कुर्ती आएगी, सिंपल सोबर सी कुर्ती है। इसके साथ में आपको जो है ना दुपट्टा एंड बॉटम दोनों मिलता है। तो यहाँ पे आपको बॉटम मिल जाएगा कुछ इस टाइप का, फैब्रिक सेम रहेगा, एंकल लेंथ बॉटम रहेगा, बैक साइड में इलास्टिक है, फ्लेयर आपको अच्छा मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके साथ में आपको जो दुपट्टा मिलता है वो क्रेप के फैब्रिक का आएगा, तो ये मरून कलर का क्रेप के फैब्रिक का दुपट्टा रहता है, जिसमें आपको जो है ना गोटा पट्टी का डिटेलिंग लगाया हुआ मिलता है। तो अगर आप लेना चाहते हो रीजनेबल प्राइस में कुछ, तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैं शेयर करने वाली हूँ, एक प्रिंटेड कुर्ता सेट रहेगा, जो कि फुल कुर्ता सेट है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रेट कट में आपको काफ़ी प्यारा सा ये कुर्ता मिलता है, रेयॉन एंड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में आएगा। प्रिंटेड कुर्ता है, डेली वेयर के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एल्बो स्लीव्स मिल जाएगा, फ्रंट एंड बैक साइड पूरे साइड में आपको प्रिंट मिलता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, रेगुलर आप इसको वॉश कर सकते हो। इसके साथ में आपको मिलता है कॉटन का दुपट्टा, दुपट्टा आपको पूरा ये कॉटन का मिलेगा, ब्लेंड मटेरियल में नहीं है और प्रिंट में आएगा दुपट्टा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा दुपट्टा कॉटन में प्रिंटेड रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये दुपट्टा मिल जाएगा। दुपट्टा जो है ना 2 मीटर से थोड़ा सा कम लेंथ का है, पूरे 2 मीटर का नहीं है। साथ में आपको मिलता है यहाँ पे बॉटम वेयर, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहेगा, और फ्लेयर आपको ठीक ठाक मिल जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट ध्यान रखिएगा अगर दुपट्टे का जो लेंथ है वो 2 मीटर से कम रहने वाला है। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये है पिंक कलर का हमारा जॉर्जेट का एक ड्रेस। तो ये जो है ना काइंड ऑफ मैक्सी ड्रेस है जॉर्जेट के फैब्रिक में, और फ्लोर लेंथ आएगा ये वाला ड्रेस। तो अगर आपको लॉन्ग ड्रेसेस पसंद है तो ये ड्रेस आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का नेक मिल जाएगा स्क्वायर शेप में, बैक साइड में आपको जिप मिलता है, और यहाँ पे आपको बेल स्लीव्स मिल जाएगा। पूरा ये जो ड्रेस है जॉर्जेट का रहेगा, इसमें आपको नीचे तक लाइनिंग मिल जाता है। तो अगर आपको कोई लॉन्ग ड्रेस चाहिए तो आप इस ड्रेस को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। साइज़ मैंने इसके अंदर एक्सेल लिया है, फिटिंग आपको अच्छी मिल जाएगी, फैब्रिक लाइनिंग वगैरह सब कुछ दिया गया है, तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो रहेगा हमारा कुर्ता सेट। तो ये जो है 3-पीस सूट रहेगा वाइट कलर में, कॉटन का है ये। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको ये प्यारा सा अनारकली कुर्ता मिलेगा, मीडियम लेंथ में है, प्रिंटेड कुर्ता आएगा, और 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलता है, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिल जाएगा। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, पहनने पर कंफर्टेबल है, रेगुलर आप इसको वॉश कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ में आपको मिल जाएगा दुपट्टा, जो कि कुछ इस टाइप का प्रिंटेड दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा सा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ही आपको दुपट्टा मिल जाएगा, दुपट्टे का लेंथ आपको ठीक ठाक मिल जाता है तो कोई इशू नहीं रहेगा, दुपट्टा आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। साथ में आपको मिलता है कॉटन का ही बॉटम,
जो कि कुछ इस टाइप का रहेगा। इसमें आपको फ्लेयर देखो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, एंकल लेंथ ट्राउज़र है। थाइज़ वगैरह के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हैवी है थाइज़ आपकी, तो उसके लिए आपको अच्छा फ्लेयर मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कॉटन में रहेगा, रेगुलर आप इसको वॉश भी कर सकते हो। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ये वाला सूट आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो सूट मैं शेयर करने वाली हूँ, ये आई थिंक जॉर्जेट में रहेगा, ब्लैक कलर का ये वाला कुर्ता सेट है। तो ये फुल कुर्ता सेट नहीं आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे यहाँ पे ये मीडियम लेंथ का आपको कुर्ता मिलेगा। साइज़ मैंने इसमें एक्सेल लिया है, इसमें पूरा आपको फ्रंट साइड में एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलता है। मीडियम लेंथ का कुर्ता है, तो अगर आपकी हाइट शॉर्ट है ना, तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है कुर्ता। इसमें आपको जो है ना एल्बो स्लीव्स मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो एम्ब्रॉयडरी का वर्क आपको मिलता है, बैक साइड से पूरा प्लेन रहेगा। तो कुर्ते की क्वालिटी अच्छी है, लाइनिंग वगैरह लगाई भी मिलती है आपको। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ इस टाइप का ये ट्राउज़र, जो कि पूरा प्रॉपर ट्राउज़र रहेगा। नीचे ये नेट के फैब्रिक में वर्क है और ये कुछ इस टाइप का ट्राउज़र रहेगा। इस ट्राउज़र में बहुत ज़्यादा फ्लेयर आपको नहीं मिलता है, लिमिटेड ओके टाइप का इसका फ्लेयर रहेगा। तो अगर आपका ऐसा है कि लेग्स थोड़े हैवी है, तो ये वाला ट्राउज़र हो सकता है आपको टाइट रहे, बट अदरवाइज सूट काफ़ी अच्छा लगता है दिखने पर, लुक वाइज अच्छा है, और अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैं शेयर करने वाली हूँ, ये एक कुर्ता शरारा का सेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉयल प्रिंट में है, तो अगर आप फॉयल प्रिंट पसंद करते हो तो आप इसको ग्रैब करना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे यहाँ पे ये आपको शॉर्ट कुर्ते मिलेगा, जिसमें गोटा का डिटेलिंग एंड पूरे कुर्ते पे फ्रंट एंड बैक साइड ऑल ओवर कुर्ते पे आपको फॉयल प्रिंट मिलता है। साइज मैंने लिया हुआ है इसमें एक्सेल, तो ये शॉर्ट कुर्ती मिलेगी आपको रेयन एंड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में, जिसमें पूरा फॉयल प्रिंट रहेगा। एंड इसके साथ में ही आपको जो शरारा मिलता है, उसमें भी आपको पूरा फॉयल प्रिंट मिलता है। तो अगर आपको फॉयल प्रिंट अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको शरारा मिल जाएगा कुछ इस टाइप का। अब शरारा का ये बता दो कि थाइस से ये जो है ना थोड़ा सा टाइट रहेगा, फिटेड काइंड ऑफ शरारा रहेगा, एंड रेगुलर वॉश करने से मे बी जो फॉयल प्रिंट है वो निकल भी सकता है, क्योंकि इस फॉयल प्रिंट की कोई ज़्यादा गारंटी वगैरह नहीं है। तो डेफिनेटली सोच समझ के बाय करिए, साइज मैंने इसके अंदर एक्सेल लिया है। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैं शेयर करने वाली हूँ, ये ब्लैक कलर का रेयन कॉटन ब्लेंड फैब्रिक का कुर्ता सेट रहेगा, फुल कुर्ता सेट आएगा। सो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है ना कुछ इस टाइप का नारकली पैटर्न में कुर्ता सेट रहने वाला है। नेक का कॉन्सेप्ट अंगरखा दिया हुआ है, पॉम पॉम का डिटेलिंग है, बट रेयन एंड कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में आता है ये। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको काफ़ी अच्छा प्रिंट मिलता है, और इसका क्वालिटी ओके टाइप का है। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है, ओके टाइप की इसकी क्वालिटी आपको मिलेगी। इसके साथ में आपको जो है ना कुछ इस टाइप का लिनन का फैब्रिक का ये दुपट्टा मिल जाएगा प्रिंट में, जो कि आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का लिनन के मटेरियल का ये आपको दुपट्टा मिल जाएगा, चेक्स का पूरा ये दुपट्टा, चेक्स नहीं एक्चुअली, हाँ चेक्स ही है, बड़े बड़े चेक्स बनाए हुए हैं। और इसके साथ में आपको मिलता है ये वाला बॉटम, जो कि एंकल लेंथ रहेगा, और कुछ ज़्यादा ही एंकल लेंथ है, मतलब आप देख सकते हो इतना सा बॉटम आएगा। तो अगर आपकी हाइट शॉर्ट है ना तो बेस्ट है, और अगर मेरे जैसी हाइट है तो आप समझ सकते हो ये बॉटम है ना कैफरी बन जाएगी आपकी। आप देख सकते हो कितना छोटा है, लेंथ इसकी बहुत ही ज़्यादा कम है, कुछ ज़्यादा ही एंकल लेंथ है। तो शॉर्ट हाइट वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा सही है, बट लॉन्ग हाइट वालों के लिए नो, बिग नो। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट मैं शेयर करने वाली हूँ, ये प्रिंटेड कुर्ता सेट है, जो कि फुल कुर्ता सेट आएगा। साइज़ तो मैंने सभी में एक्सेल ही ऑर्डर करा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है ना आलिया कट में ये कुर्ता सेट रहता है, इसका फैब्रिक जो है कॉटन रेयन ब्लेंड मटेरियल रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो नेक पे आपको जो है ना सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी का डिटेलिंग है। 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाएगा, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको काफ़ी अच्छा सा प्रिंट मिलता है। क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पहनने पर भी काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, फैब्रिक इसका उसी हिसाब से है। और इसके साथ में आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का बॉटम, जो कि आप देख सकते हो रेयन के फैब्रिक का सिंपल सा बॉटम है, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का आपको बॉटम मिलेगा। फ्लेयर आपको सही मिल जाता है, तो आप आराम से इसको वेयर कर सकते हो। इसके साथ में आपको मिलता है शिफॉन का सिंपल सा प्लेन दुपट्टा, इसमें कुछ ऐसा करा हुआ नहीं है, दुपट्टा आपको 2 मीटर से कम मिलेगा, दुपट्टा पूरा 2 मीटर का नहीं है, 2 मीटर से कम लेंथ है।
मैं एक बात बताऊँ, मीशो पे अभी मैं देख रही हूँ कि मीशो पे प्राइजेस तो बहुत हाई कर दिए इन लोगों ने, गोल्ड कलेक्शन एंड काफ़ी कुछ निकाल दिया है, बट यस क्वालिटी वाइज अगर आप देखो एंड फिटिंग वाइज देखो तो अभी भी फिटिंग एंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं करी है इन लोगों ने। सिर्फ इन लोगों ने प्राइस जो है आप देखोगे तो प्राइस तो इन लोगों ने इंक्रीज कर दी है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे को जो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने प्राइस तो बढ़ा दी है बट क्वालिटी में कुछ चेंज नहीं करा है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो मैंने लिया एक प्यारा सा बैग, जो कि कुछ इस टाइप का ये बैग है। बैक साइड में आपको जिप मिल जाता है और ये काइंड ऑफ हैंडबैग है, शायद इसमें स्लिंग दिया हुआ हो सकता है, मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह है स्लिंग का, तो शायद इसमें स्लिंग है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रैप्स मिल जाते हैं, तो आप इसको एज ए हैंडबैग एंड एज ए स्लिंग बैग बोथ की तरह यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको दो कंपार्टमेंट मिलते हैं, अंदर में इसमें कोई जिप आपको नहीं मिलता है, कंपार्टमेंट काफ़ी अच्छे आपको मिल जाते हैं। तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो स्पेशियस बैग है। तो अगर आप कुछ इस टाइप का स्लिंग बैग लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, क्योंकि बैग की क्वालिटी अच्छी है एंड अफोर्डेबल भी है। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का शॉपिंग का हॉल वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।